सनस्क्रीन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मैं पहले ही बना चुकी हूँ, फिर दोबारा क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कुछ चीजें रिक्वेस्ट की थी वो मैं आपको बताऊंगी, प्लस मैं आज आपको कुछ सनस्क्रीन्स दिखाऊंगी और अब तक के जितने भी सनस्क्रीन्स मैंने अप्लाई किए हैं उनमें से बेस्ट मुझे कौन सा लगा वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरा नाम है रेखा और आप देख रहे हैं बी नेचुरल, लेट्स गेट स्टार्टेड। बेस्ट सनस्क्रीन कौन सा है वो बताने से पहले मैं उसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस बता देती हूँ। सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है हर किसी के लिए, चाहे वो लड़का लड़की बच्चा बच्ची कोई भी क्यों ना हो। 18 महीने का जब बच्चा हो जाता है उसके बाद से सनस्क्रीन वो लगा सकते हैं। बच्चों के लिए अलग से सनस्क्रीन भी आता है, बेबी सनस्क्रीन आप लगा सकते हैं। मिनिमम 30 SPF होना बहुत जरूरी है, उससे ज्यादा SPF कम हुआ तो उसके कोई फायदे नहीं है। जब भी SPF लिए तो उसमें दो चीजें जरूर देखे, UVA और UVB रेज से प्रोटेक्शन मिले ऐसा जरूर उसके अंदर मेंशन किया हो। PA++++ होगा तो और भी बहुत अच्छी बात है, ये चीज का ध्यान रखेंगे उसी के बाद आप सनस्क्रीन लेंगे। मार्केट्स में बहुत सारे सनस्क्रीन अवेलेबल है, हर कोई ट्राई तो नहीं कर सकते हो ना आप, तो आपको चाहिए कि मैं आपको कोई एक रिव्यू दे दूं जिसकी कौन सा बेस्ट है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको कुछ बेस्ट सनस्क्रीन के बारे में बताऊंगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है अगर आप घर के बाहर जाते हो या घर के अंदर रहते हो। अगर सुबह का टाइम है, रोशनी आ रही है, चाहे वो बहुत ज्यादा गर्म धूप की रोशनी हो या सिर्फ सूरज की रोशनी हो, आपको रोशनी में सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो सूरज की जो किरणें होती हैं वो आपकी स्किन को बुरी तरह से डैमेज करती हैं, आपको प्री मेच्योर रिंकल्स हो जाते हैं, आपकी स्किन डल पड़ जाती है, आपके चेहरे पे डार्कनेस आ जाता है, बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपके फेस पे पिंपल्स है तो पिंपल्स सन के एक्सपोजर में जब आते हैं ना तो बहुत गंदा दाग छोड़ करके जाते हैं जो कि इजीली नहीं जाते हैं, और भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। कई सीवियर केसेस में जिसकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है उनको स्किन कैंसर के भी चांसेस हैं। सन बाथ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, विटामिन डी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए आपको सूरज की जरूरत पड़ती है। आप चाहे तो कैप्सूल भी खा सकते हैं लेकिन अगर नेचुरली सूरज से मिल रहा है तो वो क्यों ना ले। तो मैं उसके लिए आपको बोलूंगी आप मॉर्निंग में अगर सनबाथ ले लेना तो अच्छा रहेगा, और जब सनबाथ लेने भी जाए तब भी आप सनस्क्रीन लगा करके सनबाथ लेने जाए, बिना सनस्क्रीन लगाए अगर आप जाएंगे तो वो आपकी स्किन को पूरी तरह से डैमेज कर देगा। तो अगर सूरज की रोशनी अगर आप 15 मिनट के लिए भी आप अपने पूरी बॉडी को दे रहे हैं, सनबेथ ले रहे हैं, देखो ये जरूरी है कि बॉडी खुली होनी चाहिए, ठीक है। कवर्ड बॉडी में अगर आप सनबेथ लेने जाओगे तो नहीं ले पाओगे, तो उसके लिए जितना पार्ट आपका एक्सपोजर होता है उतने पार्ट में ही सूरज की किरणों से आपको विटामिन डी मिलता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा ही होगा कि बीचेस पे लोग जाते हैं और पूरा अच्छे से लिंगरी पहन करके वो लेते हैं सनबाथ, अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते, तो आप ऐसा कर सकती है अपने छत पे चले जाए, बालकनी में चले जाए और कुछ ऐसे कपड़े पहने जिससे आपकी मैक्सिमम बॉडी को एक्सपोजर मिल रहा हो सन का। पीठ पे ज्यादा सन विटामिन डी मिलता है, तो अगर पीठ करके बैठेंगे सूरज के सामने, कुछ अगर साड़ी पहन लेते तो अगर उसमें ब्लाउज होता है, ब्लाउज अगर छोटा हो तो ज्यादा एक्सपोजर होता है पीछे से, तो ज्यादा आपको सूरज की किरणें मिलेंगी, तो इससे आपको विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी है तो वो आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन फिर बोलूंगी सनबेथ लें तो सनस्क्रीन लगा करके ही लें। आप जब भी सनस्क्रीन लगाती हैं ना तो ध्यान रखिए कि बाहर निकलने के 15 मिनट से लेकर के 20 मिनट के पहले पहले आपको सनस्क्रीन लगाना है। सनस्क्रीन आपके चेहरे पे लगाने के बाद वो स्किन के साथ वर्क करने में थोड़ा टाइम लगाती है, उसको सेटल होने के लिए 15 से 20 मिनट चाहिए होता है। तो बाहर जाने के 15-20 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाएंगे, उसके बाद आप बाहर जाएंगे, और हर 3 से 4 घंटे बाद आपको सनस्क्रीन दोबारा से आपके फेस पे लगाना पड़ेगा अगर आप बाहर हो। अगर आप घर के अंदर हो जहां सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं आ रही है तो ठीक है आप सनस्क्रीन ना लगाओ। तो ये तो थी सनस्क्रीन लगाने की इम्पोर्टेंस, अब हम बात करते हैं कि सबसे अच्छा सनस्क्रीन कौन सा है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सनस्क्रीन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको पाउडर सनस्क्रीन के बारे में बता देती हूँ। मार्केट में ये न्यू लॉन्च हुआ है और ये पाउडर वाला है। पता क्या होता है, जब क्रीमी सनस्क्रीन होते हैं ना स्टिकी होते हैं और चिपचिपे से होते हैं तो वो हमारे लगाने का मन नहीं करता है, लेकिन ये वाला नॉन स्टिकी है। अगर आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपके लिए बेस्ट है, नॉर्मल है तो आप ऑफकोर्स लगा ही सकते हैं, और अगर ड्राई है तो ये लगाने से पहले मॉइस्चराइजर लगाना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसका नाम तो आप देख ही रहे हैं, लैक्मे सन एक्सपर्ट। 40 SPF का आता है तो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा फुलफिल करता है। 40 SPF के साथ साथ PA++ है, UVA और UVB से भी प्रोटेक्ट करता है आपको। 7 ग्राम का प्रोडक्ट है और लैक्मे एक अच्छा जाना माना ब्रांड से आता है। प्लस इसका पैकेजिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे, हैंडी है, प्लास्टिक के पैकेट में आता है, और तो यहाँ पे पहले इसके अंदर मिरर है और उसके बाद ये पाउडर है। तो अगर आप ये देखोगे तो मुझे ये कुछ खास ही लगा इसका पाउडर लगाने का पफ, ये बहुत ज्यादा प्रोडक्ट को सक कर लेता है तो मैं इसको यूज नहीं करती, मैं इसकी जगह ब्रश यूज करना प्रेफर करती हूँ, मेकअप ब्रश। और इसका मैं टेक्सचर आपको दिखा देती हूँ,
ये कुछ ऐसा लगता है लगाने के बाद, ये किसी और शेड में नहीं आता है, ये यूनिवर्सल शेड में आता है, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। आपके चेहरे के ऊपर अगर थोड़े बहुत फ्लॉस होंगे तो हल्का सा कवरेज देगा, मीडियम कवरेज नहीं बट बहुत ही हल्का कवरेज देगा, लेकिन सनस्क्रीन का काम करेगा, कॉम्पैक्ट पाउडर का काम करेगा, आपके चेहरे को मैट लुक देगा, ऑयली स्किन है तो बार बार ऑयल नहीं निकलेगा, उसको भी रोक करके रखेगा। ये 210 का है पर इसके ऊपर डिस्काउंट चलता ही रहता है, तो आप अमेजोन पे ले सकते हैं या किसी भी नियर बाय केमिस्ट की दुकान पे जाएंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आप सनस्क्रीन लगा करके बाहर जाते हो, जैसे मैंने आपको बोला कि 3-4 घंटे बाद दोबारा सनस्क्रीन लगाना होता है, तो ऑलरेडी आपने मेकअप कर रखा होता है, आप उसको मुंह धो करके दोबारा से सनस्क्रीन नहीं लगा सकते हो क्रीम वाला, तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगा सकते हो, सन से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। अब बात करते हैं एक और पाउडर की जो कि लॉरियल से आता है, ये एक्चुअली कॉम्पैक्ट पाउडर है लेकिन इसके अंदर 34 SPA और PA++++ है, इसीलिए मैं इसको रेकमेंड करती हूँ अगर आप सनस्क्रीन लगा चुके हैं, मेकअप कर चुके हैं, बाहर जा चुके हैं और 3-4 घंटे बाद आपको दोबारा से सनस्क्रीन लगाना है, तो आप नॉर्मल ये भी लगा करके बाहर जा सकते हैं। और इसके साथ ये पफ आता है जो कि अभी बहुत ही ज्यादा गंदा हो रखा है क्योंकि मैं इसे रोज यूज करती हूँ, तो और बहुत हैंडी है, स्लीक है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो अगर आपको बजट फ्रेंडली चाहिए तो आपको के लिए लैक्मे सही रहेगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा एक्सपेंसिव चलेगा तो ये अराउंड 300 में आता है, पर हाँ इस पे भी डिस्काउंट चलते रहते तो आप देख सकते हैं। इसका कवरेज बहुत ही अच्छा लगता है मुझे लगता है मीडियम कवरेज देता है और कवरेज को बिल्डअप भी कर सकते हो ये। चलो अब बात करते हैं सनस्क्रीन की, बात करते हैं बेस्ट सनस्क्रीन कौन सा है। मेरे पास फिलहाल 3 सनस्क्रीन है और मैं मुझे नहीं लगता कि इन तीनों से ज्यादा बेस्ट सनस्क्रीन कोई है, पर फिर भी मैं इनको रैंकिंग दूंगी, तो सबसे तीसरे नंबर पे मैं न्यूट्रिजिना सनस्क्रीन को रखती हूँ और ये है अल्ट्रा शियर ड्राई टच सन ब्लॉक, 50 SPF का आता है, PA++++ है इसके अंदर, 30 ml का प्रोडक्ट है, बहुत ही लाइट है, आपके स्किन को बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ बना देती है इसको लगाने के बाद। ये वाटरप्रूफ है, सनप्रूफ है, रेजिस्ट रब ऑफ है, नॉन कॉमेडोजेनिक है जो कि आपके पोर्स को क्लॉक नहीं करती है, ऑयल फ्री है, PA/BA फ्री है, मतलब पैराबेन फ्री है, और इसको लगाने का तरीका इसमें लिखा हुआ है कि आपको अपने फेस के ऊपर लगाना है 15 से 30 मिनट पहले जब आप घर से बाहर जाओ, बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये आपके लिए बेस्ट है क्योंकि ये लोशन बेस है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको लोशन बेस सनस्क्रीन लगाना होता है अगर आपकी ऑयली स्किन है। देखो मैंने थोड़ा सा ही लिया है और ये कितना ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो जरा सा अगर आप लेंगे ना तो ये आपके पूरे फेस पे लग जाएगा, तो मैं तो आपको हमेशा बोलती हूँ कि सनस्क्रीन जब भी लगाए ना तो कम से कम ये उंगली का जो 1 इंच होता है ना इतना लेकर के आपको चेहरे और गर्दन के लिए इतना लेकर के लगाना चाहिए। ये देखिए जरा से मैं कितना ज्यादा फैल गया, तो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगा मुझे इसको ब्लेंड करने के लिए और ये स्टिकी नहीं लग रहा है, ग्रीजी नहीं लग रहा है अगर आप देखेंगे तो। हाँ थोड़ा सा आपको शाइनी सा जरूर लगेगा लेकिन 10 मिनट अगर इसको ऐसे छोड़ दूं मैं तो वो भी गायब हो जाता है। ये सनस्क्रीन मुझे बहुत पसंद है लेकिन ये सनस्क्रीन सेंसिटिव स्किन वालों के लिए नहीं है क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी स्किन सेंसिटिव है, वो लगाने के बाद वो मुझे कंप्लेन करती हैं कि उनको जलन सी महसूस होती है ये लगाने के बाद। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या पहले ही आप एक बार अप्लाई करके देख लीजिए, हो सकता है कि ये आपके स्किन पे थोड़ा सा जलन चुभन दे क्योंकि ये हर किसी के स्किन टाइप को सूट नहीं करता है। ये 30 ml 199 rupees का आता है, आई थिंक अफोर्डेबल है आपके लिए। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे मैं कौन सा सनस्क्रीन रखती हूँ। इसके तो बहुत बुरे हाल हो रखे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं कई बार अपनी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ कि लैक्मे सनस्क्रीन बेस्ट है, डॉक्टर्स इसी को रेकमेंड करते हैं, बाहर जाते हैं आप तो आपको यही लगाना चाहिए, घर में भी है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है, वो इसलिए क्योंकि ये लगाने के बाद ना थोड़ा व्हाइट कास्ट सा देता है। लेकिन मैं इसके बारे में आपको पहले ये बता दूं कि SPF 50, UVB, UVA, PA++++ सारी चीजें हैं जो कि आपको होनी चाहिए और ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए है। इसका प्राइस मैं बता दूं तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, 580 rupees का आता है, सबके बजट में नहीं आएगा लेकिन 100 ml का प्रोडक्ट है, लॉन्ग लास्टिंग है, जरा सा लगाने पे बहुत ज्यादा चलता है दिनों तक के लिए, ये खत्म हो गया है फाइनली तो इसके हाल बुरे हाल हो गए, लेकिन मैंने एक एक बूंद यूज किया है इसको काट करके अच्छे से, तो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बचा है वो मैं आपको निकाल करके दिखा देती हूँ कि कैसा है ये। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैंने बड़ी मुश्किल से निकाल करके आपको दिखाने के लिए बचा के रखा था। तो ये अगर मैं लगाती हूँ अपने हाथों पे, बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं आता क्योंकि लगाते ही ऐसा लगता है कि व्हाइट कास्ट दे रहा है, चेहरा एकदम व्हाइट सा हो जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये लगाने के बाद आपको 10 मिनट तक आपको अपना चेहरा छोड़ना होता है। सिर्फ यही नहीं, कोई सा भी सनस्क्रीन अगर लगाते हैं ना तो 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए चेहरे को, ऐसे ही वो अपने आप स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और वैसे तो मुझे लगता है ये एक शेड आपकी स्किन को लाइट भी करता है अगर आप देखें तो, पर कुछ लोगों को ये पसंद आता है कुछ को नहीं आता, मुझे बहुत पसंद आता है ये। और 10 मिनट तक अगर आप चेहरे को छोड़ देते हैं तो आपका स्किन कलर नॉर्मल हो जाता है और इसके लगाने के बाद आप फाउंडेशन, बीबी क्रीम, कॉम्पैक्ट जो लगाना है वो आप लगाएं,
तो सनस्क्रीन लगाने से पहले मॉइस्चराइजर लगाएं, मॉइस्चराइजर के बाद सनस्क्रीन और 10 मिनट के गैप के बाद आपको कुछ और लगाना है। अगर आप ये वाला भी लगाते ना, तो अक्सर मैंने देखा है कि अगर मैं मॉइस्चराइजर लगा दूं और तुरंत ये वाला लगा देती हूँ ना, तो मेरे चेहरे पे जलन होने लग जाती है। तो मैंने इसको यूज करना छोड़ ही दिया था। फिर मैंने रियलाइज किया कि मॉइस्चराइजर लगाने के 2-3 मिनट का गैप मुझे देना चाहिए। 2-3 मिनट का गैप देती हूँ मैं, उसके बाद ये लगाती हूँ तो मेरे चेहरे में उतना जलन नहीं होता है। तो इसी तरह से आप चेहरे पे कोई सा भी प्रोडक्ट लगाएं, बैक टू बैक ना लगाएं, 1-2 मिनट का गैप देते रहें। मतलब पहले कंघी कर लीजिए, फिर लगा लीजिए, फिर आईलाइनर लगा लीजिए, फिर कुछ और प्रोडक्ट फेस पे लगाएं। तो इसी तरह से गैप देते रहना आपको चाहिए। ये आइडल वे है मेकअप करने का, मुझे लगता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो ये दूसरे नंबर पे है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत पावरफुल सनस्क्रीन है यार, इसको लगा के अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे लगता नहीं कि मुझे कहीं भी टैन हुआ है। तो ब्लेंड करने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा टाइम लगता है इसको ब्लेंड करने में। ये बहुत ज्यादा जल्दी ब्लेंड हो जाता है कंपेयर करें तो, लेकिन इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। और ये वाला मैं 15 साल से यूज कर रही हूँ, पर हुआ क्यों कि बहुत दिनों से ये खत्म हो गया। आप देख रहे हैं, मैं फाड़ करके इसको यूज कर रही थी और मुझे ये मिल ही नहीं रहा था, ना मुझे ऑनलाइन मिल रहा था, ना मार्केट में कहीं मिल रहा था, आउट ऑफ स्टॉक था। तो फिर मुझे थक हार करके दूसरा ब्रांड देखना पड़ा। अब जब मैंने ये वाला ब्रांड देखा, अरोमा मैजिक का, इसको यूज किया, तो मैं तो अब इसको भूल चुकी हूँ। अब मैं इसको यूज उतना नहीं करूंगी, अब मैं इसी को यूज करूंगी क्योंकि ये करंट मेरा फेवरेट है। अभी मेरा फेवरेट क्यों है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात, इसके अंदर मिनिमम SPF है, ये बहुत अच्छी बात है। अरोमा मैजिक बहुत अच्छा जाना माना ब्रांड है, इसके सारे प्रोडक्ट्स मुझे बहुत पसंद है। मैं इसका एक रिव्यू भी आपको दूंगी। ये नॉर्मल टू सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है, तो किसी भी टाइप की स्किन हो आपको जरूर सूट करेगा। इसके अंदर अल्कोहल नहीं है, पैराबेन नहीं है, हार्श केमिकल्स नहीं है, केमिकल फ्रेग्रेंस नहीं है, और बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स अगर आप खुद पढ़ पा रहे हो ना, तो आप खुद ही देख सकते हैं। विटामिन है, B5, C, E, और बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है स्किन को। स्किन एजिंग नहीं होती है, आपकी स्किन को सूद करता है। और ये कुकुम्बर से बना होता है, कुकुम्बर तो स्किन के लिए वैसे ही बहुत ज्यादा है। ये स्मार्ट सन प्रोटेक्शन का काम करता है। जो ये अपने बारे में बोल रहा है, ये सच में ऐसा करके दिखाता है। मैं इतना क्यों बोल रही हूँ ये मैं आपको बता देती हूँ। आप इसका स्वॉच देख लीजिए, आपको जरा सा लेने की जरूरत है। ये देखो, जरा सा आप दबाओगे ना, बहुत ज्यादा निकल जाता है। तो दबाते टाइम ध्यान रखें कि थोड़ा सा ही दबाएं, और उसके बाद अगर आप इसको ब्लेंड करते हैं ना, ये देखो बहुत ज्यादा फैल जाता है। जरा सा लोगे और पूरे ये ही एक सनस्क्रीन है जो मैंने थोड़ा सा लिया, और देखो कहाँ पूरे हाथ में लग रहा है मेरे। और ये इतना ज्यादा है कि मैं पूरे अपने हाथ में लगा सकती हूँ। जरा सा लिया है, इजीली ब्लेंड हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, और कुछ सेकंड्स में गायब हो जाता है, स्किन के अंदर मर्ज हो जाता है। और दोनों हाथों में फर्क आप देख सकते हैं। वैसे तो मैंने और भी बहुत सारा सनस्क्रीन पहले भी लगा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी स्किन के क्वालिटी को एकदम ये अच्छा कर देता है। कोई ड्राइनेस रफनेस नहीं रह जाती है, स्किन थोड़ी शाइन कर रही है लेकिन स्टिकी नहीं है, ग्रीजी नहीं है। इतना अच्छा ब्लेंड होता है यार, एकदम मक्खन की तरह। जितने भी सनस्क्रीन मैंने भी ट्राई किए, आप लोगों को बताया है, उनमें से मुझे सबसे बेस्ट ये अरोमा मैजिक का ही लगा। आधा चम्मच लेते हैं तो ये आपके फेस के लिए सही है। अगर आप 1 टेबल स्पून अगर आप लेते हैं तो पूरी बॉडी कवर कर सकता है ये आपका। ये आता है 285 रुपीज का। ये बजट फ्रेंडली है बाकी सबसे कंपेयर करें तो। मेरा करंट फेवरेट ब्लॉसम कोचार अरोमा मैजिक है। ये इजीली शायद अवेलेबल ना हो, इनकी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। मेरी तरफ से अरोमा मैजिक इज द बेस्ट। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए दिल से आप लोगों का धन्यवाद। और बी हेल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं कोशिश करूंगी हर संडे 6 से 7 बजे के बीच में लाइव आऊं और आप लोगों से बात करूं। बी नेचुरल पे लाइव आ पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन हर संडे मैं जरूर लाइव आऊंगी बी हेल्दी चैनल पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, फटाफट से जाकर सब्सक्राइब करो और आने वाले संडे के लिए मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर लो। मुझे आपसे बहुत सारी बात करनी है, ठीक है? तो मैं चलती हूँ, तब तक के लिए बाय।